बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की गणित की प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न दूसरा। इसके पहले के प्रश्न, प्रश्न नंबर पहला हम कर चुके हैं, यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपए 3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे रुपए 1,300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हमें इसे बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, तो चलो करते हैं। इसको हम हल करेंगे, इसे हम हल करेंगे। तो जब हम इस तरह के सवाल को हल करते तो हमें कुछ मानना पड़ता है। माना कि बल्ले का मूल्य मान लेते हम x है, क्योंकि हमें पता नहीं बल्ले का मूल्य कितना है और गेंद का मूल्य कितना है, तो उसे हम y मान लेंगे और इस प्रकार से ये सवाल आसानी से हल हो जाएगा। तो हम करते हैं, माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर रुपए x है तथा एक गेंद का मूल्य बराबर रुपए y है। तो यहाँ पर हमने मान लिया है कि एक बल्ले का मूल्य x है और एक गेंद का मूल्य y है। हमें प्रश्न में कहा गया है कि क्रिकेट टीम के कोच ने रुपए 3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदी। तो 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदी है कोच ने। तो हम आगे लिखेंगे, प्रश्नानुसार या प्रश्न के अनुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार जो बताया गया है कि जो कोच ने क्या खरीदी थी, तीन बल्ले, तो बल्ले का मूल्य तो x है, तो 3 में x का गुणा हो जाएगा, मतलब 3x धन 3 गेंदे, 3 बल्ले तथा 6 गेंदे 3,900 में खरीदी है। तो यहाँ पर 3 बल्ले तो हो गए, अब 6 गेंदे मतलब 6 और एक गेंद का मूल्य y है, तो हमने लिख दिया 6y, ठीक है, 6 में y का गुणा करेंगे तो 6 गेंद का मूल्य आ जाएगा। तो 3x धन 6y बराबर कितने में खरीदी है, 3,900 में। तो यह एक समीकरण हमने बीजगणितीय रूप में हमें व्यक्त कर दी, तो यह हमारी हो जाएगी समीकरण एक। इसी प्रकार आगे क्या बोला गया है, इसी प्रकार आगे हमें कहा गया है कि बाद में उसने एक और बल्ला, ठीक है, एक बल्ला मतलब एक बल्ले का मूल्य कितना होगा, x, एक बल्ले का मूल्य x हो जाएगा, तथा एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे तो 3y हो जाएंगे, ठीक है, 3y हो जाएंगे। यहाँ पर कितने में खरीदी, 1,300 में खरीदी, एक बल्ला और 3 गेंदे 1,300 में खरीदी। तो यहाँ पर इसे हमने बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया, तो हमारे प्रश्न जो आधा हल हो गया है। अब इसे हमें ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, तो ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमें x और y के मान रखने पड़ेंगे, ठीक है, x और y के मान रखने पड़ेंगे, जैसा कि हमने इसके प्रश्न नंबर पहले में करा था। तो यहाँ पर जो हमारी पहली समीकरण थी, 3x धन 6y बराबर था 3,900, तो यहाँ पर x का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, अपने अनुसार कुछ भी x का मान रख देंगे तो उससे हमें y का मान मिल जाएगा। तो हम करते हैं, तो x है और ये y है, ठीक है, इसकी एक सारणी बना लेते हैं छोटी सी। हम दो मान निकालेंगे इनके, ठीक है, दो मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम x का मान क्या रखेंगे, तो समीकरण तो है 3x धन 6y बराबर 3,900, तो यहाँ पर हम x का मान सबसे पहले 0 रख के देख लेते हैं। तो 0 रखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम रफ में करके देख लेते हैं, आप किसी और पेज में भी कर सकते हो। यदि 3x धन 6y बराबर है 3,900, यहाँ पर यदि x का मान 0 रख देंगे तो ये 3 और ये 0, मतलब 3 का 0 में गुणा होगा, मतलब ये 0 ही हो जाएगा, धन 6y बराबर हो जाएगा 3,900। यहाँ पे ये संख्या पूरी 0 हो गई, तो ये बच्चा है 6y बराबर 3,900, तो y बराबर हो जाएगा 3,900/6, तो 6 × 6 = 36, 37, 38, 39, 3 0 मतलब 30 बच्चे, 6 × 5 = 30 और 0 650, तो y बराबर आ गए 650। तो यदि x का मान हम 0 रखते हैं तो y का मान आ गया 650।
अब हम एक्स का मान रख के देखते हैं। अब आप देखो कि एक्स का मान हम क्या रख ले, ठीक है, एक्स का मान क्या रख ले कि आसानी से हल हो जाए। तो हम एक्स का मान 100 रख के देख लेते हैं ना, 100 का 3 में गुणा होगा तो 300 हो जाएंगे, 300 फिर इस तरफ जाएंगे तो घट जाएंगे और फिर इसका 6 में भाग जाएगा, ठीक है। तो अब हम एक्स का मान 100 रख के देख लेते हैं, ठीक है, 100 रखेंगे तो 3 गुणा 100, 3x है तो 3 गुणा 100 धन 6y बराबर 3900 हो जाएगा। ये 100 का 3 में गुणा हुआ तो ये हो गया 300 धन 6y बराबर 3900 हो गया। अब यहाँ पर जो है 6y बराबर हो जाएगा 3900 ऋण 300 घट जाएंगे इसमें से, तो y बराबर हो जाएगा 3900 में से 300 कम हो गए तो बचे 3600/6, ये कट जाएगा 6 6 36 और 0 0 मतलब 600। तो यदि x का मान यदि 100 रखते हैं तो y का हो जाएगा 600, ठीक है, x का मान 100 रखा तो y का हो गया 600। अब हमने यहाँ पे समीकरण 1 से हमने 2 मान निकाल लिए हैं, समीकरण 2 से x और y के 2 मान निकाल लेंगे। तो समीकरण जो 2 है वह है x धन 3y बराबर 1300। तो यहाँ हम x का क्या मान रख दें, ठीक है, पहले सारणी बना लेते हैं, ये x है ये y है और यहाँ पर हम इसके मान निकालेंगे, 2 मान, ठीक है, x और y के 2-2 मान निकाल लेंगे ताकि हम इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त कर सके। तो x का क्या मान रख दे, तो यहाँ पर हमें 1300 को यहाँ पे जो x का जो भी मान आएगा, ठीक है, इसको हल करने के पहले हम देख लेंगे, तो यहाँ x का जो भी मान आएगा वो इधर घटाओ में आएगा, वो यहाँ घटेगा और उससे फिर 3 का भाग जाएगा क्योंकि ये गुणा में है तो ये भाग में जाएगा। तो हम यहाँ रफ में ही कर लेंगे, साथ में आप दूसरे पेज पे कर सकते हो। तो x का मान हम यहाँ रख देते हैं 100, यदि x का मान 100 रख दे, ठीक है, x बराबर यदि 100 रख दे यहाँ पर, तो x बराबर 100 तो x के स्थान पर 100 लिख देंगे, x के स्थान पर 100 धन 3y बराबर 1300। तो यहाँ पर ये हो गया 3y बराबर 1300 ऋण के 100 घट जाएंगे इसमें से। अब यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 1300 में से 100 गए तो बचे 1200/3, जो 3 गुणा में था, 3 इसके साथ गुणा में था तो इधर आएगा तो भाग में चला गया, अब इससे काट देंगे 3 चौक 12 0 0, तो y का मान आ गया 400। यदि x का मान 100 रखते हैं तो y का मान आता है 400, तो x का मान हमने 100 रखा तो y का आ गया 400। अब हम x का ऐसा क्या मान रख दें कि x का जो भी मान आएगा वो 1300 में से उसका घटाव होगा और उसमें 3 का भाग जाएगा, तो इस तरह की संख्या रखे जो कि इसमें से कम हो जाए तो 3 का भाग भी आसानी से चला जाए। तो हम x का मान हम 400 रख देते हैं, x का मान हम 400 रख देते हैं, x का मान हम 400 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हल करके देख लेंगे। तो समीकरण जो है x धन 3y बराबर है 1300, x का मान 400 रख दिया, 400 धन 3y बराबर हो जाएगा 1300, तो 3y बराबर हो जाएगा 1300 ऋण के 400, इसमें से 400 घट जाएंगे, इधर जाएगा तो माइनस में हो गया, घटाव में आ जाएगा। अब 3y बराबर 1300 में से 400 घटाएंगे तो बचेंगे 900 और y बराबर हो जाएगा 900/3, 3 से कट जाएगा, 3 3 9 0 0 तो आ जाएंगे 300। तो x का मान यदि हम 400 रखते हैं तो y का मान आ जाता है 300। तो इस प्रकार हमने x और y के मान निकाल लिए, हम यहाँ दूसरा मान भी रख सकते थे लेकिन हम ऐसी संख्या रखना चाहते थे जिससे कि आसानी से इसमें से घटने के बाद ये 3 से आसानी से भाग इसका चला जाए और आसानी से हल हो जाए, इसलिए हमने मान रखे हैं और इससे हमारा ग्राफ भी आसानी से बन जाएगा। तो चलो ग्राफ बना लेते हैं। तो ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमने ग्राफ पेपर ले लिया है और इस पे एक्स और वाई अक्ष बना दिए हैं। तो एक्स अक्ष यह वाला होता है और जो खड़ी लाइन होती है वाई अक्ष होती है, इसके ऊपर जो धनात्मक संख्या और नीचे ऋणात्मक संख्या प्रदर्शित होती है और एक्स अक्ष में भी इस तरफ धनात्मक और इस तरफ ऋणात्मक संख्या प्रदर्शित होती है। तो हमारे पास कोई ऋणात्मक संख्या नहीं थी इसलिए हमने इधर बहुत कम बनाया है और यह जो बीच वाला बिंदु बनेगा यह 0 है। इसमें हम कुछ इकाई मानकर चलेंगे, तो हमने 100-100 की इकाई मान ली है, यहाँ जो एक वर्ग दे रखा है, ठीक है, एक इकाई जो यहाँ दे रखी है ग्राफ में, इसको हमने 100 माना, तो 100 200 300 400 500 600 700 और 800 900 1000 1100 1200 इसी प्रकार हमने 100-100 की इकाई इधर भी मान ली वाई अक्ष पे भी। तो हमारे समीकरण 1 से जो हमें मान प्राप्त हुए थे वह थे x का मान आया था 0 और 650
x और y के मान पहला था 0 और 650 और दूसरा था 100 और 600। तो इसे हम यहाँ ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। तो पहला 0 और 650, तो 0 0 ये रहा, यहाँ पर 0 है और 650 होगा, 600 और 700 के बीच में यहाँ पे है 650। तो ठीक है, तो एक बिंदु तो यह हो गया हमारा, और दूसरा मान था 100 और 600, तो 100 यहाँ पर है, ठीक है, 100 और ये 600, तो 100 की लाइन में यहाँ पे आएगा इसका बिंदु और ये 600 है, तो एक बिंदु ये प्राप्त हो गया 100 और 600 का, ठीक है, 100 और 600 का एक बिंदु हमें यह प्राप्त हो गया। आप यहाँ लाइन भी खींच सकते हो, नहीं खींचो तो भी कुछ नहीं, और एक बिंदु ये प्राप्त हो गया। तो इन दोनों बिंदुओं को हम मिलान कर देंगे, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। तो हम मिला देते हैं, दोनों बिंदुओं को हमें मिला देना है। हमने इन दोनों बिंदुओं को मिलान कर दिया है। अब हमारा जो समीकरण एक से जो मान प्रदर्शित हुआ था, हमने उसे यहाँ पर ग्राफ में प्रदर्शित कर दिया है। अब हम दूसरा मान जो समीकरण दो से प्राप्त हुआ था वह लिखेंगे। तो x और y के जो मान आए थे हमारे पास, तो x का मान था 100 और y का मान था 400, और उसी प्रकार x का मान था 400 और y का मान था 300, ठीक है। तो पहला है 100 और 400, तो हम यहाँ प्रदर्शित करेंगे। तो x का मान है 100, तो ये रहा 100 और 400, तो y का मान 400 है, तो 400 ये है, यह यहाँ पे ये 100 और ये 400, तो ये बिंदु यहाँ बनेगा। और दूसरा मान था 400 और 300, x का 400 है, तो x का 400 होगा, 300 के बाद 400 यहाँ पर, और y का है 300, तो 300 है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो इनकी लाइन मिलेगी वो यहाँ मिलेगी, ठीक है, ये 300 है और ये 400 है, तो ये बिंदु यहाँ बनेगा। तो अब इन दोनों बिंदुओं को भी हम आपस में मिला देंगे, तो इसको भी मिला देते हैं। इस प्रकार हमने इन दोनों बिंदुओं को भी मिला दिया है, और ये दोनों बिंदु जहाँ मिलते हैं, ठीक है, कहाँ मिलते हैं, यहाँ जहाँ मिल रहे हैं, तो 1000 के बाद है 1100, ये 1200 और ये है 1300, इस 1300 वाले बिंदु पर यहाँ आकर मिल रहे हैं। तो इस प्रकार हमने इसे ज्यामितीय रूप में व्यक्त कर दिया है, हमारा सवाल हल हो गया है।